नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज, जो है आपके संघर्ष का साथी। यूपी अनुदेशक शिक्षकों का एक शिष्टमंडल कल से लखनऊ में डेरा जमाए हुए। कल विक्रम सिंह महानिदेशक वैश्विक शिक्षा से मुलाकात कर उन्होंने ज्ञापन सौंपा, अपनी समस्याओं के समाधान हेतु प्रार्थना की और 27 के अनिश्चितकालीन धरने की सूचना ज्ञापन के तौर पर कल महानिदेशक वैश्विक शिक्षा को सौंप दी है। आज विक्रम सिंह मिलेंगे निदेशक वैश्विक शिक्षा से। परियोजना कार्यालय में अनुदेशक पटल देख रहे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उन्होंने गोरख शांति का फोटो भेंट किया और अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु उनसे अपील की है। आज निदेशक वैश्विक शिक्षा से विक्रम सिंह मुलाकात करेंगे। 27 के कार्यक्रम की सूचना भी दे दी है, दोबारा पुनः वो आज निदेशक वैश्विक शिक्षा को देंगे। कल विक्रम सिंह की मुलाकात देर शाम महानिदेशक कंचन वर्मा से हुई। उन्होंने अपनी समस्याओं को महानिदेशक जी के समक्ष रखा और निस्तारण हेतु प्रार्थना की, जिसके जवाब में कंचन वर्मा जी ने कहा कि हमको अभी चंद दिन हुए हैं, मामले को हम देखते हैं और क्या आपके साथ सहूलियत होगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे। अनुदेशक द्वितीय चरण ट्रांसफ़र के मामले में बातचीत करने पर प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जैसे ही समस्त जनपदों की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय उपलब्ध हो जाएगी, आपका ये कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ समय धैर्य बनाने की आवश्यकता है। यहाँ बताते चले, अनुदेशक संघ की अन्य समस्याओं के निस्तारण हेतु महानिदेशक ने साफ कहा कि अभी हमें चंद दिन हुए हैं, हम मामले को पहले समझ लें फिर इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। विक्रम सिंह ने पोस्ट करके समस्त पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष एवं अनुदेशकों से आह्वान किया है कि ये समय गतिविधियाँ, न्यायपालिका से दबाव, एक नेतृत्व की अवधारणा, परिश्रम, कर्मठता, त्याग, ईमानदारी और प्रदेश स्तर पर हम अनुदेशकों की एकजुटता हम सभी के लिए एक अवसर लेकर आया है। ये अवसर बार बार नहीं आता, ऐसे में कि सापेक्षता हम अनुदेशकों के अनुकूल है। पोस्ट में विक्रम सिंह ने आगे लिखते हुए अनुदेशकों को प्रेरित किया है और 27 के अनिश्चितकालीन धरने में पहुंचने के लिए आह्वान किया है, शत प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रार्थना की है। अपने अपने क्षेत्र के, प्रदेश भर के परिचित एक एक अनुदेशक से फ़ोन कर धैर्यपूर्वक बात करें, लगातार करें। जो अधिक अवसादित और नकारात्मक हो चुके हैं, वैचारिक रूप से बीमार समझ कर प्यार से समझाएं और आप अपने जीवन का कुछ समय परमार्थ और परोपकार के लिए अर्पित करें। प्लीज़ गंभीरता से प्रयास करें, प्रयास करना ही आपके हाथ में है। अनुदेशक संघ की तरफ से अपील आ रही है, लगातार अनुदेशकों के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की आह्वान कर रहे हैं। 27 दिसंबर 2023 लखनऊ में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, ऐसा अनुदेशकों ने अपील की है। ये थी खास खबर, बताएंगे अगले समाचार में। सरकार ने संविदा कर्मचारियों का मांगा वेरा, उम्मीदें बढ़ी हैं, क्या इसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र अन्य संविदा कर्मी शामिल है, बताएंगे अगली खास खबर में। बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ अनुदेशक न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।